गांधी जी के बनाए हुए उसूलों से हट के काम करना शुरू कर दिए। कौन गांधी? जिन्होंने बिना हाथ उठाए, हथियार उठाए, डंडा उठाए हिंदुस्तान आजाद करा दिया। कौन गांधी? जिन्होंने अंग्रेजों को यहां से निकाला बिना किसी लड़ाई के, अमन से, सबर से, बात से, और लास्ट में हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए जिन्होंने गोली खाई कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम इतिहाद की बात की। इसी चीज की वजह से गांधी जी ने गोली खाई। आप लोग पढ़े लिखे लोग, मसला ही वही कि ये जो आप लोग हिंदू मुस्लिम 47 में कर रहे हो ये गलत है। तो आज जो हम इकट्ठे हुए हैं इसीलिए हुए हैं कि जो भाजपा है, भाजपा ने हिंदुस्तान की शान, हिंदुस्तान की पहचान, जो गांधी जी हैं जिन्होंने हमें हिंदुस्तान को चलना चलाना कैसे है उसके बारे में जो उसूल, जो बातें कही, जो सीखें दी, उससे हटके भाजपा ने काम करना शुरू कर दिया। किसी भी तबके को उठा के देखो, चाहे वो किसान हो, किसानों को लेके इन्होंने जो नए कानून दीन लाए, पहले तो हम लोग सरकार जो है किसानों से सिर्फ फसल लेती थी, अब तो किसानों को खा ही रहे हैं, खत्म। बेरोजगारी की अगर हम बात करें, बेरोजगारी का क्या हाल? हम लोगों के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में जो रोजगार दिए गए थे, अगर मैं मिसाल दूं आपको, अभी वो इंजीनियरों के जो ग्रुप हुआ करते थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप, रोजगार, नए रोजगार के छोड़ो जो पुराने रोजगार चल रहे थे वो भी ले लिए। कोरोना महामारी का ध्यान रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, गांधी जयंती के मौके पर गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, जिन्होंने अपनी जान इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए दी, और मैं आज ये बात सबके सामने साफ तौर पर रखना चाहूँगा कि भाजपा, मौजूदा भाजपा सरकार ने जो गांधी के सिद्धांतों से हट के काम करना शुरू किया है, उसका खामियाजा जो है वो आज की डेट में यूपी में देखा जा रहा है। जो लोगों में जहर भर दिया गया है उसका खामियाजा यूपी में देखा जा रहा है, जहाँ पर छोटी सी आदमी बच्ची के साथ जो जिनाबिल जबर हुआ, बच्ची की जुबान काट दी गई, कमर तोड़ दी गई, उसके अगले ही दिन पालमपुर में वहाँ पे भी यही चीज़, और उसके बाद पहले तो उसके साथ उन जालिमों ने जो किया सो किया, सिस्टम ने क्या किया, सिस्टम ने माँ को, उस बच्ची को, चिता को आग लगाने लगी, बाप को चिता को आग लगाने, हल्दी लगाने लगी, मिल ना सके उससे, तो ये कर क्या रहे? इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने ये वाजे तौर पे कहना चाहता हूँ कि भाजपा ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। उसके बाद जब मिलने के लिए राहुल जी वहाँ गए, उन्हें मिलने न दिया, धक्कम धक्की हुए, गिर गए, किस चीज़ के लिए? अरे ये गांधी का मुल्क, ये भाजपा का मुल्क नहीं, ये गांधी का मुल्क, जिन्होंने सब्र से, जिन्होंने बिना कोई डंडा उठाए, बिना ऊंची आवाज़ किए इस मुल्क से अंग्रेज़ों को निकाला, हमारे लिए जान दी, ये उस गांधी का मुल्क है। और यहाँ हो क्या रहा है? तो मैं आज आपके माध्यम से इस्तीफा मांगना चाहूँगा योगी सरकार का, योगी जी का, जो ध्यान नहीं रख पा रहे हैं यूपी में गरीब बेटियों का,